हर त्यौहार का अपना एक महत्व होता है, लेकिन कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जो घर में धन संपदा को भरने के लिए मनाए जाते हैं। उन त्यौहारों में से एक त्यौहार पड़ता है अक्षय तृतीया का त्यौहार। अक्षय तृतीया का त्यौहार बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं आज के दिन कि ये त्यौहार आखिरकार मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे क्या कथाएं हैं, क्या कहानी है, क्या कारण रहे हैं कि अक्षय तृतीया का दिवस इतना धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन बिना कैलेंडर देखे, बिना कुछ विचार किए, बिना किसी ब्राह्मण से पूछे हुए दिन भर यदि आप कोई भी काम करते हैं तो वो स्वतः ही सिद्ध होता है और आपके काम में दिन दूना रात चौगना बढ़ोतरी होती है। अक्षय भंडार आपके घर में धन धान्य के भरते हैं। तो आज के दिन इस वीडियो को जरूर देखें पूरा और जाने की अक्षय तृतीया क्यों मनाया जाता है। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो होती है कि किसी भी फेस्टिवल को क्यों मनाया जाता है या कोई भी डे इवेंट क्यों मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि पुराणों में बताया गया है कि आज की तारीख, आज की तिथि अपने आप में बहुत ही पुण्य फलदायी है। जो भी व्यक्ति आज के दिन पुण्य कार्य करते हैं उनका फल अच्छे हो जाता है, यानी कई जन्मों तक ये फल उन्हें प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया एक बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है। आज के दिवस बहुत सारी ऐसी कथाएं प्रचलित हैं कि अक्षय तृतीया जिसकी वजह से मनाई जाती है। तो पहली जो कारण है जिस वजह से अक्षय तृतीया को सेलिब्रेट किया जाता है, उनमें से पहला है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाने वाले भगवान परशुराम का जन्म आज के दिन ही हुआ था। परशुराम ने महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका देवी के घर जन्म लिया था। यही कारण है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इसी दिन परशुराम की पूजा करने का भी विधान है। दूसरी कहानी चर्चित है कि इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए हजारों वर्ष तक तप किया था और अपने पुरखों को तारने के लिए वो धरती पर गंगा जी को लेके आए और पवित्र गंगा जी में डुबकी लगाने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए आज के दिन लोग गंगा जी में स्नान करते हैं। एक और चर्चित है कहानी कि आज के दिन ही माँ अन्नपूर्णा का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन गरीबों को खाना खिलाया जाता है, भंडारे किए जाते हैं, जिससे अन्नपूर्णा के पूजन में तथा रसोई के भोजन में स्वाद भरे और आप सालों साल धन धान के अक्षय भंडार आपके जीवन में भरे रहे। एक कहानी और भी चर्चित है कि अक्षय तृतीया के अवसर पर महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत को लिखना शुरू किया था। महाभारत को पांचवें वेद के रूप में माना जाता है, इसी में श्रीमद् भगवद गीता भी समाहित है। अक्षय तृतीया के दिन श्रीमद् भगवत के 18 जो 18वां अध्याय है अगर उसका पाठ किया जाए तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। एक कारण और भी है कि बंगाल में इस दिन भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और सभी व्यापारी अपना लेखा जोखा ऑडिट बुक की किताब शुरू करते हैं। वहां इस दिन को हल खता कहते हैं। इसके अलावा एक कहानी और भी प्रचलित है कि भगवान शंकर जी ने इसी दिन भगवान कुबेर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने की सलाह दी थी, जिसके बाद से अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना करने से हर व्यक्ति को धन धान्य सुख समृद्धि के लाभ और पुण्य मिलते हैं। एक कहानी और भी चर्चित है, कहा जाता है अक्षय तृतीया के दिन ही पांडव पुत्र युधिष्ठिर को अच्छे पात्र प्राप्त हुआ था और इस अच्छे पात्र की विशेषता ये थी कि कभी भी इस अच्छे पात्र का भोजन समाप्त ही नहीं होता था। तो आज के दिवस जो भी व्यक्ति कुछ शुभ फलदायी कार्य करता है, कुछ दान करता है, कुछ पुण्य करता है, कुछ अच्छा काम करता है तो उससे उसके जीवन में अक्षय भंडार भरते हैं। इसके अलावा आज के दिन जो कोई भी आप कार्य करना चाहते हैं तो ये तिथि विशेष महत्वपूर्ण होती है। आज के दिन कम से कम एक गरीब व्यक्ति को अपने घर बुलाकर सत्कार पूर्वक से भोजन अवश्य कराएं। गृहस्थ लोगों के लिए ऐसा करना जरूरी बताया गया। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन धान्य और अच्छे अनधन के भंडारे भरते हैं। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर हमें धार्मिक कार्य करने चाहिए और अपने जीवन में कमाए हुए धन से कुछ हिस्सा दान करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे धन संपत्ति में दिन दूना रात चौगना बढ़ोतरी होती है। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन घट यानी घड़े का दान करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शुभ कर्म हैं, आप अपने तथा अनुसार भंडारा या अन्य कार्य
भी कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिवस में किया गया कोई भी अच्छा कार्य आपके जीवन में अक्षय बन जाता है। इसलिए आज की तिथि अपने आप में दान धर्म कर्म पूजा अनुष्ठान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई, तो इसे जरूर लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।